और 25 मार्च से शुरू होने वाले नवरात्र को लेकर भी जहां तैयारियां हो रही हैं, वहीं गाजियाबाद के मोदीनगर में होने वाले ऐतिहासिक महामाया मंदिर में मेले की तैयारियां चल रही हैं, जिस पर कोरोना के बादल मंडराने के आसार हैं। यह है गाजियाबाद के मोदीनगर के महामाया मंदिर की तस्वीर, जहां 25 मार्च से नवरात्र को लेकर मेला शुरू होने जा रहा है। कोरोना वायरस के चलते आयोजक और ठेकेदार परेशान हैं और चाहते हैं कि मेला रद्द हो जाए। बिल्कुल नहीं लग रहा है, हम देख रहे हैं अभी जो आज का दिन है, आज के दिन का और संडे पीछे संडे गया था उसकी वजह से देखते हुए 20% लोग आए। हाँ, जान माल की हानि ना, जो यहाँ 30 लाख के आसपास व्यक्ति आएंगे, क्या गारंटी है कि उनमें कोई कोरोना वायरस का पॉजिटिव ना आए? यदि कोई एक भी आ गया, ये महामारी गांवों में फैल जाएगी, क्योंकि ये ग्रामीण मेला है और शहरों से काबू करना बड़ा आसान है, ग्रामों में काबू करना बड़ा कठिन हो जाए। डीएम ने मेले को स्थगित करने की मांग को खारिज कर दिया है। बहुत से मंदिर हैं, बहुत से स्थल हैं, बहुत से शक्तिपीठ हैं जहाँ इसका आयोजन होता है, तो जैसे हर जगह आयोजन होगा वैसे अभी आयोजन होगा। जो प्रिकॉशंस इसमें लिए जा सकते हैं, जो सावधानियां बरती जानी चाहिए प्रशासन के स्तर से भी, और जो सावधानियां श्रद्धालुओं को बरतनी चाहिए, उसके संबंध में हम लोग एडवाइजरी जारी करेंगे। मेले को रोकने या मेले पर प्रतिबंध लगाने का कोई ऐसी ना तो सरकार का निर्णय है न कोई ऐसा प्रयास है। महामाया मंदिर में हर साल नवरात्र के मौके पर देश विदेश से लाखों की तादाद में भक्त आते हैं, ऐसे में 25 मार्च से शुरू होने वाले इस मेले पर कोरोना का असर दिख सकता है। सोनू अरोड़ा, न्यूज़ स्टेट, गाजियाबाद।